चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में हम न्यूमेरिकल देखते हैं, लिखे हैं फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस फाइव के कैप अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हूज पोजिशन वैक्टर कैसे दिया जाएगा? आर वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप करिए चलिए सॉल्व करते हैं. यहां पे देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? आर वेक्टर इनटू एफ वेक्टर. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम आर के आई कैप जे कैप और के कैप, तो आर का जो दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स अपन यहां लिखेंगे. इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 1 और कितना हो जाएगा? प्लस 1. एफ हमारे पास में कितना आ रहा है? 7 3 और माइनस 5, तो यह आ जाएगा 7 3 और माइनस 5. ये हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है. अब इतना इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई कैप लिखा, इस पर हाथ रखा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. 5 1 कितना हो जाएगा? 5. 3 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है. फिर दूसरा आता है माइनस जे कैप लेंगे, इस पे हाथ रखा, कहाँ पर? यहाँ पर, तो ये माइनस 5 आ गया. नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही तो है, ठीक है. अब देखिए आगे करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का जे कैप, ठीक है. माइनस के जे कैप के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा लिया? माइनस वैसे ही लेना है आपको. 5 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5. और 7 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक. उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में? प्लस का के कैप के लिए अपन कैसे करेंगे? के पे हाथ रखा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 3 1 3 और ये 7 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 7, ठीक है. प्लस क्यों होगा? क्योंकि माइनस है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. कितना आ जाएगा ये हमारे पास में? 2i कैप और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 12j कैप, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 10k कैप. लिखें इतना, ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? चलिए हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बातचीत नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसमें लिखे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क tending to change its state of rest or of uniform rotation about an axis is called rotational inertia or moment of inertia.
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जब वो बॉडी कायम हो, रेस्ट या स्टेशनरी हो, ठीक है। तो रेस्ट या स्टेशनरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर उस वहाँ पे ऐसा टॉर्क डेवलप हो कि वो उस चीज़ को क्या करे, अपोज करे, और अपोज करके किसी एक्सिस के अलोंग क्या करने लग जाए, रोटेशन करने लग जाए, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। इतना आया समझ में? अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक एक्सिस मान ली, और उस एक्सिस के आसपास अपन क्या कर लिया, कुछ मासेस मान लिए, m1 m2 m3। इसके डिस्टेंस अपन ने कितनी मान ली, कुछ भी मान सकते हैं। और मान लीजिए m2 ले लिया अपन ने, और यहाँ पे m3 ले लिया, ऐसे कई सारे मासेस अपन क्या कर सकते हैं, mn ले सकते हैं, बनाइए है। इनकी वेलोसिटीज क्या ले ली, आर्यमन v1, इसकी क्या ले ली v2, इसकी क्या ले ली v3, और ये उसके आसपास क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। तो कैसे बनाएं, देखिए सर्कुलर करवाएं यहां तक, इसको यहां पे, ठीक है, ये रोटेशनल देखो प्रॉपर बनाओगे कैसे बनाओगे, ये तो आपने मासेस लिख दिए, ठीक है। अगर इसको मूवमेंट करवाओगे तो कैसे करवाओगे, देखिए बात समझिएगा, ऐसे एम एन मासेस है हमारे पास में, तो हमने क्या करा, एक एक्सिस ले ली, उस एक्सिस के अलोंग क्या कर लिया, रोटेशन करवाया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली वेलोसिटी अपन कितनी मान लेंगे v1, दूसरी कितनी मान लेंगे v2, तीसरी कितनी मान लेंगे v3, ठीक है, बनाइए। और यहाँ पर अपन ने ये क्या ले ली, एक एक्सिस ले ली, और ये अलग अलग मासेस की अलग अलग क्या ले ली, वेलोसिटीज ले ली, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, vn तक चला जाएगा, बनाए। अब काइनेटिक एनर्जी अगर अपन रोटेटिंग बॉडी की देखें, इफ यू आर टेकिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, पहली बॉडी के लिए कितना होगा सुहानी, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, दूसरी बॉडी के लिए कितना होगा हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, तीसरी बॉडी के लिए कितना होगा हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ले लिया। इतना आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो समेशन ले सकता हूँ किसका, हाफ miRi का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी i की, 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाल ली, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी निकाली, लिखे एज एज वी नो दैट, अपन जानते हैं ये आर की जगह वी आएगा, ठीक है। हाँ हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, हम क्या ले सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यही रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कभी लिखना हो तो आर्यमन कैसे लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर इन टू थीटा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मान लो एल से डी से जिससे भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में कैसा हो जाएगा ये बोलिए, लीनियर एक्सेलेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलेशन। तो ये तीन रिलेशन जो है हमको याद रहने चाहिए, आ रही बात समझ में? ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पुटअप कर दें, करिए कितना आएगा, यहाँ पे वी की जगह पे पुटअप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन तक हाफ एम आई, यहां पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर तो क्या है सर, कांस्टेंट है, एम आई आर आई क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर कहाँ आ जाएगा सर,
बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिखें इतना। एस बी नोदट के बाद में यही, यहाँ से यहाँ तक अपन ने नोट डाउन जो किया। अब देखो ओमेगा स्क्वायर बाय टू जो है आर्यमन, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सुहानी यहाँ पे एम आई आर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये चीज़ क्या कहलाती है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे अपन लिख देंगे देयर फोर, ये हमारे पास में आ जाएगा के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आई बाय टू, ओमेगा स्क्वायर आई बाय टू या आई ओमेगा स्क्वायर बाय टू, जैसा आपको लिखना चाहे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई किस केस में सर, किस केस में बताइए, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखिए एन एनर्जी ऑफ 484 जूल, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल, 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड, इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील, ऑफ अ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 रोटेशन पर मिनट, फ्रॉम 60 रोटेशन पर मिनट, फ्रॉम 60 रोटेशन पर मिनट टू 360 रोटेशन पर मिनट टू 360 रोटेशन पर मिनट, कैलकुलेट कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पूछा गया है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वर्क डन आपको दे रखा है, सो दिस इज योर वर्क डन, ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बॉडी की अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी देखें ओमेगा, ठीक है, वो कितनी दी हुई है यहाँ पे, 60 रोटेशन पर मिनट। तो 60 रोटेशन पर मिनट, इसको चेंज करना पड़ेगा सर, रोटेशन पर मिनट है तो रोटेशन पर सेकंड निकालना पड़ेगा। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से, और 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 360 डिग्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, 2 पाई आ गया, काय में आया सर, रेडियन पर सेकंड में। ओमेगा टू निकालेंगे, ओमेगा टू कितना है हमारे पास में, 360, और ये भी कितने से डिवाइड होगा, 60 से, और यहाँ कितना आ जाएगा सर, 2 पाए, इसको काट देंगे 6 बार, 6 2 सा कितना हो जाएगा, 12 पाए रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, करो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकालनी है, ठीक है, मतलब डेल ई निकालना है या वर्क डन निकालना है, इसको वर्क डन दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा सर, ई टू माइनस ई वन हो जाएगा, ई टू माइनस कितना हो जाएगा, ई वन हो जाएगा। अब अभी अपन ने निकाला था हाफ, देखो रिलेशन पढ़ो अपनी कॉपी में कितना है रिलेशन, आए हाँ पढ़ो रिलेशन, हाफ आए ओमेगा टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस हाफ आए ओमेगा वन का क्या हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, हाँ जी करिए आप,
अब तो कर सकते हैं। वर्क डन हमें गिवन है, कितना गिवन है? 484। तो 484 इज इक्वल टू हाफ आई को अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 2 कितना है मेरे पास में, 12 पाई का स्क्वायर। माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, आई निकालना है हमको, तो आई फाइंड आउट करना है। तो 484 इंटू 2 ऊपर चला गया और बाकी की चीज़ें कहाँ जाएगी, नीचे। तो 144 पाई का स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा। 484 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से पाई स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 144 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 140 बचेंगे, है ना। कैंसिल आउट करिए, 2 7 जा, ठीक है। और फिर 7 से काटें क्या, 7 से तो कटेगा नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, 484 को 70 इंटू, ये कितना हो जाएगा सर, 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास में, तो ये आ रहा है आपके पास में। देखो, लिख देते हैं 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम आर स्क्वायर बोलते हैं ना, तो एम आर स्क्वायर मास के लिए अपन किलोग्राम, और आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इनर्शिया आ गया, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे हैं द रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन एक्सिस। नेक्स्ट लाइन में लिखना एक और डिफिनेशन, और इट मे बी डिफाइंड एज, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, और इट मे बी डिफाइंड एज, और इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ मास, ऑफ अ मास पॉइंट, ऑफ अ मास पॉइंट, ऑफ अ मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू, हुज मास इज इक्वल टू, हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ होल बॉडी, द मास ऑफ होल बॉडी एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस, ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। देखिए कैसा होता है ये,
आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वेयर, जहाँ पे एम क्या है, मास है, और के क्या है, व्हाट इज के, इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, लिखें, वेयर के इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उसको देखते हुए सुहानी, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय एम, तो के क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई बाय एम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हमने क्या करा, एक एक्सिस ले ली आर्यमन, वहाँ पे अपन ने क्या करा, कई सारे मासेस ले लिए, M1, M2, M3, और ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए, MN तक चले गए, और इसको माना कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो करने के कारण ये हो जाएगा R1, R2, R3, और करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगा, RN तक। तो ये अपन ने एक सरफेस कंसीडर कर ली, जिसके आसपास अपन कई सारे क्या लिए, मास ले लिए, और उनके रिस्पेक्टेड डिस्टेंस क्या ले लिए, R2 से लेकर RN तक, इतना आ रहा है। नेक्स्ट लिखे, देन देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी आई इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वेयर, M2 R2 स्क्वेयर, करते करते कहाँ तक चले गए, MN RN स्क्वेयर तक। इफ यदि हम क्या करें, M1 इक्वल्स टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू, करते करते किसके इक्वल ले लें, हम M के इक्वल ले लें, तो सारे मासेस क्या हो जाएंगे, इक्वल होने के कारण कॉमन आ जाएंगे। और यहाँ हमने क्या ले लिया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से लेकर सुहानी कहाँ तक ले लेंगे, RN स्क्वायर तक। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आएगा आर्यमन, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे छोटा एम ले लेना ताकि कैंसिल आउट कर पाए, बड़ा लोगे तो फिर वो दोनों अपोजिट दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। ठीक है, मतलब अपन ने एक बॉडी ली, उसकी रोटेशनल के लिए अपन ने एंगुलर वेलोसिटी कितनी ले ली, ओमेगा, मास को कितना ले लिया सर, एम ले लिया, और डिस्टेंस कितनी ले लिया अपन ने किए, तो उसको देखते हुए एम के स्क्वायर बन जाएगा। लिखो, अब अगर अपन सारे मासेस को हटाकर यहाँ पे क्या ले लें, टोटल मास ले लें एम, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको कैपिटल एम ही लेना, इसको कैपिटल एम ही लेना, क्योंकि कंसिडरेशन बताना पड़ेगा कि टोटल मास जो है अपन काय से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इनर्शिया हैं, दोनों इनर्शिया हैं, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, RN स्क्वायर तक चला जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो के क्या बन जाए, स्क्वायर क्या बन जाएगा, उधर जाके स्क्वायर रूट लिखो, कैसे, एम अपॉन में कैपिटल एम है सुहानी, तो यहाँ पे कितना है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से लेकर RN स्क्वायर तक। अब आर्यमन, यहाँ पे जो मास है, टोटल मास, वो एक मास कितना टाइम्स है, एन टाइम्स है, छोटे मास का क्या है, एन टाइम्स है, तो उस एन को देखते हुए
के स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन में क्या ले लेंगे, स्मॉल एन इंटू एम, और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर से लेकर आर एन स्क्वायर तक, एम से एम क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो के इक्वल टू ये अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर उधर जाके, और यहाँ आ जाएगा आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर से लेकर आर एन स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं, एक मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, हम उन रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के स्क्वायर का सम लेकर उसकी क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसका स्क्वायर रूट लेने पर हमको क्या मिलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन मिलता है। जो हमने लिखा है इट इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन एक्सिस, क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर फोर मासेस एज रोटेटेड इन फिगर। यहाँ पे अपन ने ले लिया m, ठीक है, आमने सामने ले लिया 2m, इधर भी ले लिया 2m, और यहाँ ले लिया हमने 3m, ठीक है, ये हमने क्या डिस्टेंस ले ली है, r ले ली है, ठीक है, उसको देखते अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है सिस्टम का, बताइए कितना होगा। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमारे पास में चार मासेस के कारण यदि अपन उनका क्या देखें, इंडिविजुअल इनर्शिया देखें, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, या डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहली बॉडी के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके लिए ले लीजिए m इंटू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दूसरी बॉडी के लिए देखेंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 2m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तीसरी बॉडी के लिए देखें तो कितना हो जाएगा इसके लिए, 3m इंटू आर स्क्वायर। चौथी बॉडी के लिए कितना हो जाएगा, है 2m आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो ओवरऑल इनर्शिया अगर अपन देखें तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, गिन लीजिए 3, 2, 5 और ये 3, 8, तो हमारे पास में 8m आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा ओवरऑल मास अगर देखें तो ओवरऑल मास कितना हो जाएगा, कितने मासेस हैं, 1, 2, 3, 4, और कैसे हैं, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 2m, ये हमारे पास में ओवरऑल कितने हो जाएंगे, ये 8m हो जाएंगे, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई बाय कैपिटल एम होता है ना, अभी पढ़ा था ना, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, याद है, अरे आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ये रिलेशन के थ्रू देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू आई बाय एम, आई कितना हमारे पास में 8mr स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास में 8m, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू आर था, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर है।